केवल झामुमो का सरकार में आंदोलन करने मिला है, भाजपा सरकार में नहीं, काम हुआ। ऐसा गलत बात है। जब जब यहाँ पे शोषण और दोहन हुआ है तब तब आंदोलन हुआ है। बात अभी केवल जेएमएम सरकार की नहीं है, बात है आंदोलन कर रहे हैं आप, नहीं नहीं बात है आपका, भाजपा का सरकार ने भी लूटने का काम किया 17 साल, और वर्तमान सूट बूट पहन करके टेंट पहन ले करके पिकनिक मना रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। सूट बूट नहीं, क्या टेंट क्या है? देखिए सूट बूट कहने का मतलब कि अपना पोशाक तो लोग पहनेगा ही ना। हम लोग का है पारंपरिक, जो अपना पहनते हैं हम लोग वो हम लोग का है, लेकिन पोशाक तो लोग अपना पहन के ही निकलेगा। और धूप इतना तेज है कि टेंट तो लगाना पड़ेगा ही, और आंदोलन भी इतना जरूरी है कि टेंट लगाना लगा के करना ही पड़ेगा, क्योंकि शोषित हैं और पीड़ित हैं। आंदोलन समझ के, लेकिन टेंट है उधर, स्प्राइट है उधर, ठंडा है, बर्फ है, मिठाई सब बट रहा है। देखिए ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि लोग आज अपने घरों में जा करके आराम से सोते और अपना खाना पीना खाते, लेकिन यहाँ पे पानी पी करके लोगों को जिंदा कल रखने के लिए टेंट लगा करके और जो है पानी पिला रहे हैं, और इसी में यदि आप लोगों को इतना पीड़ा लग रहा है तो अभी हवा खा के रहेंगे हम लोग, ये कहीं ना कहीं गलत है। सब कुछ तो व्यवस्था रखे हुए हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, केवल झामुमो का सरकार में आंदोलन करने मिला है, भाजपा सरकार नहीं, में काम ऐसा गलत बात है। जब जब यहाँ पे शोषण और दोहन हुआ है तब तब आंदोलन हुआ है। आज से पहले आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, 1855 में जब लड़ाई लड़ी थी सिद्धो कानू के नेतृत्व में, तब भी आंदोलन हुआ था, और अंग्रेज हुकूमत की सरकार को यहाँ पे घुटनों के बल टिकाया गया। 200 साल पहले कार्य सुना। और दूसरी बात, कर रहे हैं दूसरी बात, दूसरी बात, अभी का समय में जो उस समय भी हक का ही बात हो रही थी, और अभी का जो हक है युवाओं का, पढ़ा लिखा युवाओं का नौकरी छीनने की बात हो रही है। आज झारखंड 23 साल होने चला है, यहाँ पे सभी सरकार ने केवल और केवल लूटने का काम किया है, और आज ये केवल जेएमएम की सरकार की बात नहीं हो रही है, इसके पहले जब रघुवर की सरकार थी तब भी पर डे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाता था, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पे लोगों का खनिज संपदा, यहाँ पे यहाँ के युवाओं का नौकरियों को बेचने का वो भी काम कर रहे थे, बैक का जो डोर है उनको वो खोल के रखे हैं अभी तक, और वो ऐसा कोई नीति नहीं बनाए, ना नियोजन नीति, ना स्थानीय नीति बनाए, और आज भी यहाँ के जो वर्तमान सरकार है जिसको हम लोग उम्मीद के साथ बनाए थे वो भी उसी के पदचिन्हों में चल रहे हैं, क्योंकि आज अच्छा है, आप नेता बन गए। नहीं नहीं बात नेता का बात नहीं है, नेता का बात नहीं है, नियोजन नीति समझ में आ रहा है, विस्थापन नीति कहाँ गया, सारा नीति का हम लोग बात कर रहे हैं, सारा नीति का हम लोग बात कर रहे हैं, अभी उसका भी हम बोलेंगे और बोल भी चुके हैं। देखिए बात अभी केवल जेएमएम सरकार की नहीं है, बात है आंदोलन कर रहे हैं आप, नहीं बात है आपका, भाजपा का सरकार ने भी लूटने का काम किया 17 साल, और वर्तमान सरकार जिस पर हम लोग भरोसा किए थे, मिल रहा होगा ना, कुछ भी नहीं। देखिए यदि मिलता ना तो इस चिलचिलाती हुई धूप में हम लोग रोड में नहीं उतरते, हमारे साथी जो है आंदोलन कर रहे साथी आज यहाँ पे धूप में कोई तपने के लिए नहीं आते, क्योंकि आज लोग शोषित है और पीड़ित है, जिस तरह से हमारा खनिज संपदा लूटा गया है, और आज भी वर्तमान समय में भी यहाँ पे सारे खनिज संपदा तो लुटाइए रहा है, उसके बाद यहाँ पे वर्तमान जो है सरकार यहाँ के नौकरियों को 60-40 नियोजन नीति ला करके यहाँ का नवयुवाओं का नौकरियों को लूटने का काम कर रहे, बेचने की काम कर रही है। युवाओं की सरकार है, हेमंत सरकार युवाओं के बारे में सोचती है, बेचारा लॉकडाउन से परेशान था, 2 साल कोरोना था, और आप लोग से सर पे चढ़े हुए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, 3 मिनट में जब यहाँ पे नीति बन सकती है तो इनको तो 5 साल समय दिया गया, 3-3.5 साल समय बीत चुका है, जिस पर हम लोग उम्मीद किए थे, अभी तक जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ झारखंड सरकार बनाई थे, हम लोगों ने बनाया है, उसके बावजूद इन्होंने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया। ठोस नियोजन नीति बनना चाहिए, स्थान नीति बनना चाहिए, संविधानिक नियोजन नीति बनना चाहिए, उसको लेकर के आज पूरे झारखंड प्रदेश में इस ऐतिहासिक हुई से आह्वान हुआ था आज का बंदी, और पूरे झारखंड प्रदेश में आज आर्थिक नकेबंदी है 2 दिन का। हम लोग आने वाला समय में यहाँ पे अनिश्चितकालीन आर्थिक नकेबंदी करेंगे, और यदि इससे भी लोगों को समझ में नहीं आता है तो आने वाले समय में इन लोग को जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। 2024 में जितने बाहर के सांसद और विधायक हैं सारे लोगों को झारखंड से खदेड़ने का काम करेंगे, और जो यहाँ के स्थानीय लोकल सांसद और विधायक हैं वो लोग अपना समझ ले कि वो लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, वो लोग अपना घर आसियाना बना ले विदेश तरफ में जाकर, घर घर जा जा करके विधायक सांसद का मीट भाग खा गए, मीट भात खा के नहीं आए, वो लोग समर्थन पत्र देने गए थे, लेने गए थे समर्थन, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने दिया भी, लेकिन केवल और केवल समर्थन पत्र में सिग्नेचर कर देने से नहीं होता है, विधानसभा में जाकर के ये बात उन लोगों को बोलना पड़ेगा। हम लोग अगला विधानसभा सत्र का इंतजार कर रहे हैं, यदि इन लोगों ने हमारे हित में बात को नहीं बोला तो फिर इन लोगों को जवाब देने के लिए पूरा झारखंड प्रदेश का युवा तैयार हो चुका है। समर्थन पत्र साथ और भी कुछ मिला था पॉकेट में? कुछ भी नहीं मिला सर, क्योंकि इन लोगों ने हम लोग के हमेशा धोखेबाजी किया है, हो सकता है आपको बता दिया होगा, क्योंकि झूठ बोलने का इन लोगों को आदत है शुरू से,
हमेशा से लोगों को ठगने का आदत है, झूठ बोलने का आदत है, क्योंकि हम लोग अपने देखिए आज हम लोग सखुआ पत्ता से जो लोगों को जागरूक करने का काम किए है ना कहीं आर्थिक समस्या है, नहीं तो आज का डिजिटल के युग में हम लोग जो है बेहतर तरीके से नगाड़ा बजा करके बैंड पार्टी लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन आर्थिक मजबूत नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से एक आंदोलन हुआ था, हुल हुआ था 1855 में, वही वाला हम लोग फिर से इतिहास दोहराने का काम कर रहे हैं। बिना आर्थिक सहायता के बावजूद भी हम लोग इस आंदोलन को आज खड़ा करके रखे। और देखिए ये हमारे समाज के लोग ही दिए हैं, एक एक रुपया इकट्ठा कर करके हमारे समाज के लोग यहाँ पे टेंट हम लोगों के अपना बच्चा पुत्र के लिए, क्योंकि हर एक विभाग को दुख और पीड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा अगले आने वाला भविष्य जो मेरा बच्चा है जो पढ़ लिख रहा है जिसका नौकरी छीना जा रहा है, उन लोगों ने एक एक रुपये चंदा देकर के टेंट बनवाया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यदि यदि ऐसा होता तो हम लोग यहाँ केवल ये टेंट नहीं होता, यहाँ पे एसी का रूम बना देते हैं। 40 का ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये अर्थ आज तक कुछ समझ नहीं पाए, 40 करोड़ ये 60 करोड़ ये बताइए हमको। देखिए सबसे पहले तो 40 और 60 सही बात है कि बहुत लोगों को पता नहीं है, ये सरकार जो 7-40 का नियोजन नीति लेके आई है, ये 60 कहने का मतलब है कि झारखंड का आपका नहीं मेरा नहीं, अब आपको बता रहे हैं फिर से, 60 कहने का मतलब उसके अनुसार झारखंड वासियों को और 40 बाहरियों को पूरा ऑल ओवर इंडिया, और 60 में भी जो है महामिश्रण है, क्योंकि वो 60 भी परिभाषित नहीं है कि कौन यहाँ पे झारखंडी है, वो अभी तक पहचान नहीं किया गया है। बस इसी के लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं कि आप 60 को भी चिन्हित कीजिए, और हम लोग 7-40 तो चलने नहीं देंगे, इतना तय है, क्योंकि 7-40 बिल्कुल हमारे लिए काला कानून है, हकमार नियोजन नीति है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, क्योंकि 60 में भी क्लियर नहीं कि कौन कौन 60, क्योंकि इतना क्राइटेरिया लगा के रखा है यहाँ पे सरकार, जो यहाँ पे मुड़ी घुगनी बेचने आया था बिहार से वो भी झारखंडी, जो बंगाल से यहाँ पे दुकानदारी करने आया था, पढ़ाई लिखाई करने था, जो मैट्रिक इंटर कर लिया वो भी झारखंडी, जो यहाँ का हॉस्पिटल में पैदा हो गया वो भी झारखंडी, बेचने वाला नौकरी नहीं लेगा, लेगा लेकिन वो अपने जगह पर लेना, बांग्लादेश चला जाए ठीक है, वो अपने कहीं भी जाए, मतलब कहने का ये नहीं है, बाहरी और भीतरी का बात नहीं है, हमारे यहाँ झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, तो मेरा कहना है कि झारखंड में झारखंडियों के लिए सरकारी नौकरी हो, क्योंकि बिहार आपका बगल का स्टेट जो है, वहां से मेरा झारखंड प्रदेश अलग हुआ, वहां पे 100% उन्हें लॉक कर दिया चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग में, तो झारखंड को भी यही बात हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड में कम से कम झारखंड वासियों के लिए नियोजन नीति आप तय करिए, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग, वहां पे नियोजन नीति जाके देख लिए, स्थान नीति जाके देख लिए, 3-3-82 लागू कर दे वहां पे, वहां पे अभी तो 100% लॉक कर दिया है, हम लोग तो वो भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं ठीक है संवैधानिक नियोजन नीति लागू कीजिए 90-10 जो आपका संवैधानिक है, मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कई बार विधानसभा का घेराव किए, सीएम का घेराव किए, गए हैं कई बार डंटा उंटा भी खाए हैं वहाँ पे हम लोग, और जो है आज तक वहाँ भी गए हैं, लेकिन वो मिले नहीं हम लोगों से, क्योंकि उनको मिलना ही नहीं है, वार्ता नहीं करना है, सबसे दुर्भाग्य तो ये है, क्योंकि उनको पता है कि सारे झारखंडी हमारे लिए जो है वोट देकर के हमको सत्ता में बिठाए हैं, सरकार में बिठाए हैं, उनको वार्ता करना चाहिए था, हम लोग बस यही तो मांग कर रहे हैं कि आप क्या हम लोगों का डिमांड है, क्या हम लोगों का भूख है, क्या हम लोगों का दुख दर्द है, वो आप सुनिए और उस हिसाब से आप स्थान नीति परिभाषित कीजिए, करने रहे कि वार्ता करने नहीं दे रहा है, ये बात भी सही है कि वार्ता कुछ लोग हैं जो नहीं करने भी दे रहे हैं, क्योंकि उसके अगल बगल जितने भी लोग हैं आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो बाहर के लोग हैं, और वो लोग हमारे सीएम को झारखंड प्रदेश के सीएम को घेर के रखे हैं, और जो भी ड्राफ्टिंग करते हैं उसको सीधे जो है थमा देते हैं और बोलते हैं कि सर इस पर साइन किया जाए, क्योंकि हमारे सीएम को इतना ही मजबूर करके रखा है वो लोग कि आज हमारे युवा यहाँ पे तड़प रहे हैं, रोड पे चिलचिलाती हुए धूप में जो है तड़प रहे हैं। कितना अच्छा लाया कि निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया, अडानी में देखिए भर भर के नौकरी हो रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं हो, नौकरी तो हो रहा है, बस सही बात है नौकरी हो रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के नहीं, क्योंकि वो जितने भी लोग आप सर्वे कर लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे ये यूपी बिहार के हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा आदमी जो है 2-5% है, बाकी सब बाहरी आकर के घुसा हुआ, आप जाकर देख लीजिए किसी भी कंपनी में जाकर के देख लीजिए, तो ये केवल बोलने तक आप लोग पच नहीं रहे, देखिए पचने का में आप लोग जितना आवाज उठाना उठा लीजिए, भाजपा में तो नहीं उठाता, भाजपा में भी आप लोग विरोध नहीं किए, नहीं नहीं भाजपा में भी उठाए हैं, और अभी भी भाजपा को गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 17 साल उन्होंने भी राज किया था, और उन्होंने भी यहाँ पे शोषण और दोहन किया था, और जितना भी खनिज संपदा उन्होंने भी बेचने का काम किया था, मेरा नौकरी जो नियोजन नीति है स्थानीय नीति है उन्होंने 85 परिभाषित कर दिया था, जो हमारे जो है हकमार का एक नीति परिभाषित किया था, इसलिए हम लोग उसका भी पुतला दहन किए हैं और उसका भी हम लोग विरोध किए हैं, जब जब जो सत्ता में आता है उसी का लोग विरोध करता है, यहाँ का पब्लिक जो भी जिस प्रदेश का हो उसी का विरोध करता है, जिससे लोग उम्मीद करता है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे गुरुजी के बेटे हैं, सभी को पता है। आज हम लोग गुरुजी को लोह पुरुष मानते हैं, वो झारखंड प्रदेश को अलग किए हैं, हम लोगों को दिए हैं, लेकिन उसका बेटा ही है जो एक उसका जो भी सपना था गुरुजी का, उस सपने को आज जो है चूर चूर करके रख दिए हैं, आम आवाम का सपना को चूर चूर कर रख दिया। आपको भाजपा पसंद है, झामुमो पसंद है, कांग्रेस पसंद है, आजसू पसंद है, तो आप भी चुनाव कहीं लड़ लेते हैं? देखिए, हमको पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमको आदमी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत पे हम लोग कर रहे हैं बात, और सिर्फ नीति के लिए बात कर रहे हैं। जिस दिन झारखंडियों के हित में नीति नियम बन जाए, हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब हम आपको साफ साफ बता दें, यदि ये लोग नहीं कर पाते हैं तो झारखंड का युवा इस सत्ता को चलाएंगे, और झारखंड प्रदेश को कैसे बचाना है वो यहाँ का युवा करेंगे। टेंट के नीचे बैठ के, रोड पे बैठ के, कहीं भी बैठ के करेंगे, लेकिन आज से पहले हम लोग का पूर्वज जो है ना जंगल झाड़ी में बैठ करके अपना देश को बचाए थे, तो आज तो हम लोग को टेंट मिल गया है, स्वतंत्र हवा मिल गया, खुला जगह मिल गया, आज हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 22 साल से बैठे जरूर है, लेकिन आज हम लोग देखिए, आज समय जैसे जैसे बीतते गया, आज हम लोग जवान हो गए, हमारे झारखंड प्रदेश जवान हो गया, आज हम लोग भी 25-30 साल के हो चुके हैं, आज हम लोग समझ पा रहे हैं। उसके पहले तो हम लोग कहीं ना कहीं छोटे थे, उस समय सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग समझ रहे हैं। 2 साल बाद भी अभी खत्म, मतलब आपका भी नौकरी का डेट खत्म। देखिए, नौकरी का इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कई ऐसा दोस्त है मेरा जिसका उम्र सीमा पार हो रहा है, नियोजन नीति नहीं बनने के चक्कर में, एक ठोस स्थान नीति नहीं बनने के चक्कर में, इसीलिए आज सारे युवा उमड़ चुके हैं, और 2 साल नहीं 1 साल के अंदर हम लोग बदलाव करके दिखाएंगे इन लोगों को, क्योंकि अब सत्ता झारखंड के युवा चलाएंगे।